नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक वेयरहाउस वर्कर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एक वेयरहाउस वर्कर क्या होता है और एक वेयरहाउस वर्कर किसी भी वेयरहाउस में किन किन कामों को करता है या फिर किन किन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है दोस्तों बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं एक वेयर हाउस वर्कर क्या काम करता है या एक वेयर हाउस वर्कर क्या होता है दोस्तों अगर हम एक वेयरहाउस वर्कर की बात करें एक वेयर हाउस वर्कर वेयरहाउस में काम करता है तथा एक वेयरहाउस वर्कर वह व्यक्ति होता है जो वेयर हाउस में कई वेयर हाउस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जैसे इन्वेंटरी को रिसीव करना अनपैक करना अरेंज करना तथा इन्वेंटरी को स्टोर करना तथा इसके अलावा गुड्स को गैदर करना पैक करना प्रिपेयर करना और डिस्पेस करने के लिए लोड करना दोस्तों अगर वेयर हाउस वर्कर के हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एक वेयर हाउस वर्कर वेयर हाउस इन्वायरमेंट की क्लिनलीनेस या फिर स्वच्छता या सफ़ाई या टीडीनेस तथा सेफ्टी को इंश्योर करता है एक वेयरहाउस वर्कर डिलीवरी व्हीकल को लोड करता है तथा अनलोड करता है मटेरियल को स्टोर करना पिक करना पैक करना तथा ऑर्डर को स्कैन करना एक वेयरहाउस वर्कर uh, का काम होता है वेयरहाउस वर्कर वेयरहाउस स्टॉक प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है इन्वेंटरी की डिलीवरी को एक्सेप्ट करता है इन्वेंटरी को कंफर्म करता है तथा काउंट करता है इन्वेंटरी को इंस्पेक्ट करना स्टॉक को मार्क करना लेबल करना पैलेट्स पर स्टॉक को लोड करना और रैपिंग करना एक वेयरहाउस वर्कर का काम होता है एक वेयरहाउस वर्कर का जो मुख्य काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पैलेट जैक तथा फॉकलिप के साथ लोड को बिल्ड करना एक अच्छे वेयरहाउस वर्कर को फॉकलिप मशीन को चलाना आना चाहिए एक वेयरहाउस वर्कर के पास पीपल स्किल्स होना चाहिए इन्वेंटरी में डायरी लॉक को कंप्लीट करना एक वेयरहाउस वर्कर का मुख्य काम होता है सुपरवाइजर्स व वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना वेयरहाउस व्हीकल व इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना और मेंटेन करना एक वेयरहाउस वर्कर का काम होता है कंपनी के प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना एक वेयरहाउस वर्कर का काम होता है यदि आप एक वेयरहाउस वर्कर बनना चाहते हैं तो आपके पास वेयरहाउस वर्कर का प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके साथ ही आपको इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर डेटाबेस बेस व सिस्टम का नॉलेज भी होना चाहिए और मॉडर्न वेयरहाउस प्रैक्टिस तथा मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए इसके साथ ही आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होना चाहिए मतलब वेयरहाउस uh, जो वर्क्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स आपके पास होना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए आपको एज ए वेयर हाउस वर्कर हैवी जो ऑब्जेक्ट हैं या चीज़ें उठाना पड़ पड़ती हैं एज अ वेयर हाउस वर्कर सो आपको हैवी uh, जो uh, चीज़ें हैं उसको उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपके पास कम से कम हाई स्कूल होना चाहिए आपकी जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल होना चाहिए एक वेयर हाउस वर्कर बनने के लिए आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जिसका के नाम है विनोद सिंह ठाकुर और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग